सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे चार नए एथर जो अजमल की तरफ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा नंबर पर, जिसका नाम है मुमताज। ये एक बहुत पुराना स्टाइल का ब्लेंड है, आपने बहुत बार किसी से तो सूंघ लिया होगा। मुझे अपने दादाजी का बहुत याद दिलाता है, इसलिए मैं ये खुद पे लगाना उतना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि दादाजी का याद दिलाता है मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि एक ओल्ड मैन टाइप इतर है, लेकिन हाँ, ज़रूर एक मैच्योर मैन टाइप इतर है। सैफ्रन बेस्ड ब्लेंड है, सैफ्रन का बहुत अच्छा और एविडेंट नोट आपको मिलेगा शुरुआत में ही। थोड़ा सा एम्बर, हल्का सा रोज, सैंडलवुड, मस्क और वुडी नोट के साथ। एक कॉमन सा ब्लेंड है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे ब्लेंड पसंद भी आता है। आप शायद इसको रसासी का बोरूज लाइन से जो एक परफ्यूम था, मेरे पास याद नहीं आ रहा है उसका नाम, उसका भी थोड़ा बहुत याद दिला सकता है। इसका नाम है मुमताज। तो नाम से फेमिनिन मत सोचिए, ये कोई फेमिनिन वाला टाइप मुझे लगा नहीं, एकदम मैस्कुलिन टाइप ही है। हाँ, यूनिसेक्स तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्द लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। तो परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है, 2.5-3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 9 से 10 घंटे तक इसका लास्टिंग। अगला नंबर 3 पर आएगा रॉयल नादिया। बहुत साल पहले मैंने इसका रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन बीच में किसी ने कहा कि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। बहुत तारीफ किया था मैंने इसका। अगर आपको क्रीमी लैवेंडर, हल्का सा आयरिस, वाइट फ्लोरल, ये टाइप का ब्लेंड अगर आपको पसंद है, और ड्राई डाउन में हल्का सा नेरोली और मस्क का भी नोट, अगर ये पसंद है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया अपीलिंग टाइप फ्रेग्रेंस है। आप इसको समर में भी लगा सकते हैं, विंटर में भी लगा सकते हैं, दोनों वेदर पे ये चलता है। बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 11-12 घंटे तक इसका लास्टिंग भी टिकता है। बहुत ही अपीलिंग टाइप, और किसी का क्लोन भी नहीं कह सकता हूँ, बहुत ही अपीलिंग, थोड़ा सा फ्लोरल भी है, तो ये हर मौसम में सूट करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है, अपीलिंग फैक्टर से मतलब है, कॉम्प्लीमेंट से मतलब है, बजट में भी आपको मिलना चाहिए, तो रॉयल नादिया एक बहुत बढ़िया ऑप्शन। अगर आपको ये हर अजमल स्टोर में नहीं मिल रहा है, तो ये खास करके मुझे हैदराबाद अजमल वालों ने भेजा था, तो वहाँ का डिटेल्स मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप हैदराबाद से नहीं है तो इनका कुरियर ऑप्शन भी है, बस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा और ये आपको डिलीवरी भी हो सकता है। तो चलिए नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका नाम है रॉयल टच। ये एक पचूली बेस्ड ऊद इतर है। ऊद बहुत हल्का है यहाँ पर, पचूली, ऊद और मस्क के साथ, और हल्का सा वुडी नोट भी है। बहुत ही प्यारा ब्लेंड। अगर आपको समर में एक ऊद इतर लगाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ का जो ऊद है बिल्कुल हैवी नहीं है, एकदम लाइट वाटरी टाइप, पचूली के साथ और मस्क के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास अजमल का शजा अल ऊद है या फिर ट्राई कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। मैं इसको स्प्रे वर्जन और अतर वर्जन ही कह सकता हूँ, क्योंकि इतना मिलता जुलता है। शायद इनका ये अतर वर्जन हो सकता है, ये स्प्रे वर्जन बहुत ही मिलता जुलता है, ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं यहाँ पर। तो ये अगर आपके पास ऑलरेडी है शजा अल ऊद, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इत्र में ये वाला ट्राई करना चाहते हैं, तो रॉयल टच आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्लेंड। समर में अगर ऊद यूज़ करना चाहते हैं, ये एकदम फर्स्ट क्लास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ये वाला परफ्यूम समर में भी कॉम्प्लीमेंट दिलाता है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 2-3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 9-10 घंटे तक मुझे इसका लास्टिंग मिला था। नंबर 1 पर सॉफ्ट टच। ये शायद मैं पहली बार ट्राई किया हूं, थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं नंबर 1 कह रहा हूं। यहां पे आपको ऑरेंज का नोट, हल्का सा लैवेंडर, थोड़ा सा वेनिला और वुडी नोट। ऑरेंज और लैवेंडर का ओपनिंग में आपको महसूस होगा, और उसके बाद ड्राई डाउन में 1 घंटे के बाद वेनिला और वुडी नोट के साथ अपीलिंग भी है, बहुत लोगों को पसंद
आ भी सकता है अगर आपको वेनिला और लैवेंडर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन पसंद है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। खास करके मैं इसको विंटर टाइम का फ्रेग्रेंस मान लूँगा या फिर समर इवनिंग टाइम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेनिला होने के कारण ये समर का डे टाइम में ज़्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि जब पसीना निकलेगा ये शायद थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंसेस समर डे टाइम के लिए बिल्कुल सूट नहीं करेगा। हालांकि फ्रूटी का जो स्वीट नोट्स होते हैं वो ज़्यादा सूट करता है, लेकिन वेनिला वाला जो स्वीटनेस होता है वो समर के लिए सूट नहीं करेगा। तो ये वाला फ्रेग्रेंस मैं विंटर के लिए सजेस्ट करूँगा। समर इवनिंग्स में अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये आप उस टाइम पे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी इसका बहुत बढ़िया है, 2.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 8 से 9 घंटे तक इसका लास्टिंग। तो ये हुआ सॉफ्ट टच अजमल की तरफ से, तो ये हुआ 4 इतर अजमल की तरफ से, और भी मैं ट्राई करता रहूँगा। तो चलिए, जुड़े रहिए चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।